वो गेट वाले जो अंकल थे वो भड़क गए, मारो ना, मचा दिया है। 13 घंटे बाद हम लोग फाइनली, हम घातक उबलता हुआ पानी था, कभी भी फट सकता है। Found a bison. फट जा रे। इतनी परफेक्ट टाइमिंग थी, आए विदिन 5 मिनट्स। किसी ना किसी को कोई ना कोई जानवर दिख गया है, बस चले ही थे और फिर से फंस गए हम लोग। इतनी सी जगह बाकी है, मतलब एक उंगली भी ना घुसे। दोनों कार यहीं पे पार्क कर दिया। लिफ्ट का प्राइस चेक किया सुबह उठ के, तो सस्ता बता रहा था, बस वेट टाइम बहुत ज्यादा है, हम लोग थोड़ा लेट चल रहे हैं। एयरपोर्ट मस्त पूरा खाली पड़ा हुआ है, जीरो लाइन। मुझे लगा बहुत भीड़ होगी छुट्टियों के कारण, स्कूल की घंटी की बजा रहे हैं लोग। We have made it to Denver Airport. अभी यहाँ पे 3 घंटे का layover, उसके बाद में हम लोगों की फ्लाइट है जैक्सन होल के लिए। हम लोग अभी वाली फ्लाइट से निकले और गेट से बाहर आ रहे थे, तो वहाँ पर एक टेबल रखा हुआ था, जिस टेबल पे थोड़े बहुत स्नैक्स और पानी वगैरह रखा था, तो मैंने वहाँ से ये उठा लिया। वो गेट वाले जो अंकल थे वो भड़क गए, बोले ये जो अंदर जा रहे हैं फ्लाइट में उन लोगों के लिए है, तुम लोग अभी फ्लाइट से खा के निकले हो, तुम लोग वापस मत उठाओ। पर सुरभि ने भी उठा लिया और वापस नहीं दिया। कितना सही सेटअप है ये, इस पर चलते चलते सारे जो राइट साइड में बैठे सबको टपली मारते हुए जा सकते हो आप। सैंडविच क्या ग्रिल किया है, पैकिंग में मेहनत देखो कैसा बना। 5 out of 5, 6 out of 5। घर से बाहर जाके कहीं घूमने जाओ तो इट्स ज्ञान टाइम दोस्तों। नहीं ज्ञान टाइम नहीं, मतलब मार रहे हो टपली, मारो ना, ऐसे बस हाथ ऐसे बाहर निकालो, किसी ना किसी को तो लगी जाएगी। फाइनली जैक्सन होल की फ्लाइट अभी बोर्ड करेंगे। टिकट टू जैक्सन होल, और ये वाला पीछे का ग्रैंड टीटॉन नेशनल पार्क है। छोटा सा एयरपोर्ट है, अभी हम लोगों को बस बैगेज कलेक्ट करना है, रेंटल कार उठानी है, और फिर उसके बाद में 118 miles का ड्राइव है टू रीच आर होटल, जो की येलोस्टोन नेशनल पार्क के एकदम बाहर है। हमारी फेवरेट निसान अल्टिमा नहीं मिली, दिस इज लिंकन कॉन्टिनेंटल। हमारे फर्स्ट रिएक्शंस कार को देख के, कार तो बहुत लग्जरी है, सब कुछ एकदम हाई एंड, माइलेज बहुत कम रहने वाला है। कार को समझने में हम लोगों को थोड़ा टाइम लग रहा है, इसके गियर यहाँ पर है, देयर इज नो स्टिक और एनीथिंग। एयरपोर्ट से सीधा पहले पानी लेने आए, सुरभि ने देखो डिप, टॉस्टिटोस, केला, सुशी, मचा दिया है। बेहतरीन लग्जरी गाड़ी की कमान संभालते हुए कैप्टन सुरभि, देख के कार के बाहर चले जाऊंगी ऐसे। माइलेज इज ऑल्सो ओके, 32-33 चल रहा है अभी फिलहाल। एक बार अडैप्टिव क्रूज कंट्रोल पता चल गया कैसे ऑन करना था, उसके बाद में तो मजा ही आ गया। आई थिंक यू आर मेंट फॉर लग्जरी कार्स सुरभि। मैं तो बोला भी कि तुम इतने आगे जा रही थी, अभी बाहर चले गई रहती थी। प्लेन लैंड हुआ था वायोमिंग में, देन वी एंटर्ड आइडाहो एंड नाउ वी आर इन मोंटाना। टोटल 13 घंटे बाद हम लोग फाइनली हमारे होटल पहुंचे। सुरभि के स्वागत के लिए रखा था, सुरभि ने पहले देखा दरवाजे से डर गई। ये रहा हम लोगों का बहुत अच्छा सा रूम, वेस्ट येलोस्टोन नाम की जगह पे। जस्ट क्विकली फ्रेशन अप, और नीचे यहाँ पे आइसक्रीम सोशल चल रहा है, दे हैव अ फायर पिट आल्सो। हर्शीज है, वो ग्राम क्रैकर्स होंगे। हम लोगों ने यहाँ पर बैठ के अभी मस्त स्मोर्स बनाए, सुरभि को मैंने बना कर दिया एक। सुरभि वाज वेरी इम्प्रेस्ड विद माय स्किल्स, जलाया है बेसिकली, अगर हमने वो स्मोर्स को जलाते ही है। इज्जत से कॉफी बना रहा था, पूरी तबाही मची हुई, ये मशीन ने एक कप भरना बंद ही नहीं किया। वेलकम टू डे 2 ऑफ आवर ट्रिप, अभी लुक एट दिस ब्यूटी, ब्यूटी। हम लोग वेस्ट एंट्रेंस से एंटर कर रहे हैं पार्क, हम लोगों के होटल से ये ऑलरेडी आ भी गया है, मतलब अभी गाड़ी चलाकर मुश्किल से 2 मिनट हुए थे, बट बहुत लंबी लाइन है, 10 मिनट रुकना पड़ेगा लाइन में। बाय। मोस्ट लाइकली ये वाला ग्रैंड प्रिज्मेटिक स्प्रिंग है, हम लोगों को रास्ते से दूर थी ऐसे धुआं उठते हुए दिखा, इसलिए हम लोग रुक गए यहाँ। सारी वो जो जियोथर्मल एक्टिविटी चल रही है, दिस इज रियली कूल। हम लोगों को जो लगा था कि ग्रैंड प्रिज्मेटिक स्प्रिंग है वो नहीं थी, एंड ये दिख रहा था पानी के फवारे, गरम घातक उबलता हुआ पानी था।
तो ये छोटा सा जो है दिस इज एक्सेलसियर गाइजर. इट इज इम्पॉसिबल टू प्रेडिक्ट कि ये नेक्स्ट कब फटेगा. कभी भी फट सकता है. और कितना 300 फीट ऊपर जाता है ना अगर फटता है तो 45 से 300 फीट ऊपर तक उसका पानी जाता है. हम लोग जाएंगे वहां पर ऊपर. ये वाले स्पॉट से लोग देख रहे हैं तो ये ज्यादा ब्यूटीफुल दिखता होगा. ये पता नहीं कोई कोई ना कोई तो बड़े एनिमल के पैर है. बैर के हो सकते हैं. ये जूते हैं ये वाले. कौन से ये हो सकता हो. बैर ने शूज पहने होंगे जैसे तुमने खरीदे अभी. हम लोग अभी एक वॉल्केनो पे है तो वो वॉल्केनो से जो पानी गर्म हो रहा है वो बाहर आ रहा है. दैट इज फॉर्मिंग दैट स्प्रिंग. 70 डिग्री सेल्सियस तक पानी गर्म होता है. 500 गैलन्स ऑफ वाटर पर मिनट. यहाँ पर एक फायर होल रिवर है उसमें वो पंप करते रहता है. सैनिटाइज करके आना है हाथ. फाउंड अ बाइसन. ओ भाई सुन. ओ भाई सुन ना. अभी एक छोटी सी हाइक कर रहे हैं फेरी फॉल्स ट्रेल पे जो कि ग्रैंड प्रिज्मेटिक का ओवरलुक है. यहाँ से बहुत सही व्यू आता है. बहुत ब्यूटीफुल व्यू आ रहा है पर यहाँ पे भीड़ बहुत ज्यादा है. बट एक डायलॉग तो बनता है. इस शहर को हुआ क्या हर तरफ धुआं धुआं. What's up? Don't destroy the moment, please. Blue वाला लाइट इज बिकॉज ऑफ द सनलाइट राइट. सनलाइट और वो ऑरेंज वाला है वो बैक्टीरिया है. सन की एनर्जी से लाइट अप होता है. रूबी के नए नवेले जूतों की लग गई है वाट. आफ्टर ग्रैंड प्रिज्मेटिक स्प्रिंग आवर नेक्स्ट स्टॉप इज ओल्ड फेथफुल गाइजर. बहुत ज्यादा भीड़ है. लग रहा है कोई क्रिकेट मैच हो रहा है. और तुमको पास से नहीं देखना है. फट जा फट जा फट जा रे. आर यू एक्साइटेड फॉर दिस शो. अरे ओ फ्लॉप पर गाइजर ने अपना शो बंद नहीं किया है. अभी भी छोटा छोटा बीच बीच में पिचकारी दे रहा है. लंच डेट फॉर टुडे. टेस्ट करेंगे इसका स्ट्रेंथ है कि नहीं. तो हुई 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 टूटा. कुछ लोग वो गाइजर के बहुत ज्यादा पास चले गए. ओल्ड फेथफुल ढाबा स्वीट पोटैटो विद होटल से चुराया हुआ योगर्ट. लौकी की सब्जी. खाने के बाद में हाथ धोने. यहाँ पे इतने सारे बेसिन है वो हॉट स्प्रिंग वाले. शायद कभी हाथ धोने की जरूरत ना पड़े. तो हम लोग एक बार कैलिफोर्निया में भी ओल्ड फेथफुल गाइजर गए थे जो कि नापा में था. बहुत छोटा सा था. सुरभि ऐसा बोल रही थी इन लोगों ने नीचे फाउंटेन लगाया हुआ है और टाइम टाइम से वो फाउंटेन की बटन दबाते हैं और फाउंटेन इरप्ट होता है. ये लोगों को जब मैंने इधर काम करते हुए देखा मुझे सुरभि की बात पे थोड़ा थोड़ा विश्वास हो रहा है. क्या आप बता सकते हैं ये इंसान सीधा सोया है या उल्टा. ऐसी नींद बहुत ही कम लोगों को नसीब होती है. एक है ये इंसान जो यहाँ पे लॉग पे सो रहा है और दूसरे है ये इंसान जो. येलोस्टोन लेक. ये पानी ठंडा रहने वाला है और यहाँ पर पानी उबल रहा है. तो अगर किसी ने नायक देखी है नायक की शूटिंग यहीं पे हुई थी. यहीं से अनिल कपूर जी नहा के निकले थे और फिर उनका हुआ था अभिषेक. हम लोग अभी रुके हैं केपलर कैस्केड्स नाम की एक जगह पे. ये छड़ी का यूसेज कैसा लगा आपको प्लीज कमेंट्स में लिखकर बताना. दैट्स आवर कार. इस कार का नाम हम लोगों ने रखा है लाली. नॉट ओके लालू. लालू बिकॉज लालू इज टू कूल. सॉरी करेक्शन इट्स केपलर कैस्केड. बिच्छू गैंग हैज अराइव्ड.
कांजी बड़े के कांजी की स्मेल आती ना वैसी आ रही है। मिस्टिक फॉल्स है, थोड़ा हाइक था। जिसकी भी टोपी आके ले लेना, कलेक्टेड फ्रॉम हियर, सम अननोन प्लेस लुक्स लाइक दिस। ऐसे लेट जाना, अपने गले के पीछे हाथ रख के एंड डेड एक्ट करना। अगर ये मैप देखो, इतनी सारी जगह है जाने के लिए। आज जितना कर सकते थे हम लोग ने उतना आज कंप्लीट कर लिया है। इट्स ऑलरेडी 5:46। हम लोग पिछले 10-15 मिनट से ट्रैफिक में फंसे हुए हैं। पार्क से बाहर जाते जाते किसी ना किसी को कोई ना कोई जानवर दिख गया है। बस पार्क से बाहर निकल ही रहे थे और हमें दिख गया एक एल्क। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एल्क जी। बस चले ही थे और फिर से फंस गए हम लोग। 6 बजे से हम लोग निकले थे पार्क से, अभी 8:30 बजने आ गए हैं। अब जाके हम लोग पहुंचे। हम लोगों को ऐसा लग रहा था कि ट्रैफिक स्लो डाउन हुआ है क्योंकि सामने कोई एनिमल साइटिंग हुई है। एक्चुअली मामला थोड़ा ज्यादा सीरियस था। बहुत बुरा वाला एक्सीडेंट हुआ था, सिर्फ वन वे रास्ता हो चुका था। जिस प्रिटी श्योर कि बहुत सारे लोग रात को 10 बजे तक पार्क से बाहर नहीं आने वाले हैं। इफ यू लाइक दिस वीडियो, नॉट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन, शेयर कर देना, और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर देना। हम लोग कल जाने वाले हैं आबेल मुझे लामार वैली। सो नोटिफिकेशंस बेल आइकन दबा देना, अगले वीडियो की नोटिफिकेशन आ जाएगी। बहुत कम व्यूज आ रहे हैं जो नोटिफिकेशन से हैं, सो मेक श्योर यू हिट दैट बेल आइकन। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय।